मिश्रा, आपका स्वागत करता हूँ ध्रुवी गुरु के चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन पे। तो सबसे टॉप पे आता है काइन मास्टर। तो मैं बता दूँ वीडियो एडिट कैसे करते हैं, ये छोटा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा गाइस, शायद आप तभी भी देखना एंड तक। मैं अभी बता दूँ, फटाफट करूँगा। आप जैसा कि देख सकते हैं बीच तीन सर्कल है, तो मिडल पे क्लिक करेंगे और आपको कौन सा लेयर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर। मेरे को स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर सिलेक्ट कर लूँगा। अब इधर बात करेंगे कोई, अब मीडिया इधर से कैसे चूज़ करें। तो ये जैसे कि मीडिया में इधर बात कर लिया, मीडिया में इधर कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। हाँ, मैं ये वीडियो ले लिया, कैरीमिनाटी का है ये। जैसे कि मैंने ये वीडियो ले लिया, आपको जो लेयर चाहिए आप वो, सॉरी मैंने स्क्वायर चूज़ किया। तो मैं बता दूँ, मैंने जैसे कि ये मीडिया ले लिया। अब मैं इधर एडिटिंग के बारे में बात करूँगा। तो जैसा कि इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो मीडिया मैंने लिया इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो इधर जो मेरे को इसका ट्रिम के बारे में आ जाता है। अब मैं ये साइड ट्रिम करूँगा तो ये जितना राइट साइड का रहेगा सब ट्रिम हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड का ट्रिम हो जाएगा। और अगर थर्ड वाला ऑप्शन ये है कि अगर आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो दो जिधर मैं सिलेक्ट करूँगा वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। लास्ट मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा वो जो स्प्लिट होकर फ्रेम आ जाएगा इधर। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ्रेम आ गया, आप इधर देख सकते हैं मिडल में। तो ये अब ट्रिम के बारे में बात हो गई। अब ये कैसा है, ये है जूम के लिए, मैं कैसा रखना चाहता हूँ। मैं जैसा कि सिलेक्ट कर लूँ, मेरे को खाली ये जूम करना है और मैं इधर सिलेक्ट कर लूँ एंड होते होते ऐसा रखना है। तो ये जूम के बारे में था। अब ऑडियो, अब जो ये वीडियो का ऑडियो है, आप ऑडियो इसको हाई कर सकते हैं, चाहिए तो कम कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे क्लिक ग्राफिक। क्लिक ग्राफिक ये है कि ट्रांजिशन ये कैसे, मैं जैसे कि ये सिलेक्ट कर लूँगा तो ये जो ओवरले होता है उसके ऊपर पूरा आना चालू हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के माफिक होता है क्लिक ग्राफिक, बता दूँ। और स्पीड पे क्लिक, स्पीड चेक करेंगे तो स्पीड आपको पता है 8x करके मैं 10x 12x कितना फास्ट वीडियो चाहता हूँ उतना फास्ट। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 12 मिनट का वीडियो मैंने कम से कम 47 सेकंड का कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं स्पीड का हो गया। अब रिवर्स, रिवर्स बात करते हैं कि ये जो वीडियो है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, जिस ये मतलब जो उल्टा चलने लगेगा। अब रोटेट की बात करते हैं, रोटेट आप कैसा ये वीडियो को रखना चाहेंगे, लेफ्ट राइट उल्टा सीधा नीचे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कलर फिल्टर, अब ये वीडियो का कलर पे कैसा आप कलर चेंज करना चाहिए वीडियो का, ये ब्लैक एंड वाइट डिपेंड, ये आप पे करता है आपको कौन सा कलर पसंद है। कलर फिल्टर चेक, एडजस्टमेंट, अब आप इस मैं बता दूँ, अब एडजस्टमेंट जैसे कि इसका आप ये देख सकते हैं, इसका जो कलर में एडजस्टमेंट ब्राइटनेस में इसको कम ज़्यादा कर सकता हो ये ऑप्शन से। अब EQ, ये जो साउंड है आप इसका जो साउंड है वो आवाज़ चेंज हो जाएगा, बैस बूस्टर AM देख सकते हैं। आप जो चीज़ आप ये एप्लीकेशन से कर सकते हैं वॉल्यूम इनवॉल। अब मैं बता दूँ आपको वॉल्यूम कितना रखने का, ऊपर नीचे ये आप पे डिपेंड करता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है इसे रहने देता हूँ। अब रिवर्ब, रिवर्ब एक ये आपको मैं करके दिखाई देता हूँ। रिवर्ब ये है कि आपका जो साउंड, अगर आप कोई हॉल में जाते तो साउंड जैसे कि दूर तक सुनाई देता, आवाज़ बोलते हो ना, आवाज़ सराउंडिंग में जोर जोर का आएगा। अगर खाली जगह पे जाके या खाली रूम में चिल्लाओगे तो आवाज़ आपको दो तीन बार सुनाई देता है, तो रिवर्ब का मतलब ये हो गया। अब वॉइस चेंजर, वॉइस चेंजर बोले तो ये जो बोल रहा हूँ इसका वॉइस में कैसे रखना चाहूँगा, जैसे कि मैं इस पर रख के सुना देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। अब विग्नेट, अब ये जो अगल बगल का है वो आपको कैसा रखने का, जैसे कि मैं इसको ऑफ कर दूंगा नॉर्मल, ये ऐसा हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। इधर मैं ये सिलेक्ट किया वाइट और ये। अब एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब, जो ये वीडियो का ऑडियो ये इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये था कुछ नॉर्मल काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग अब था, और इसका और आएगा वीडियो, हर एक जो मैं टॉप 5 बताऊंगा उसमें डीप वीडियो एडिटिंग कैसे करते वो भी आएगा। फिलहाल में ये वीडियो एडिट अगर हमारा हो गया, अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, शेयर का आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इधर आपको फ्रेम रेट बाय डिफॉल्ट रखना है, रिजोल्यूशन आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट करना है, फिर इधर बिट रेट बाय डिफॉल्ट जो रहे वो रखने देना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो जैसा कि ये टॉप 1 था, आप सेकंड पे चलते हैं, सेकंड का नाम है पावर डायरेक्ट।
तो हमारे सेकंड एप्लीकेशन का नाम है पावर डायरेक्टर। तो इसमें वीडियो एडिट कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। आपको दो ऑप्शन दिखता रहेगा, एक न्यू प्रोजेक्ट, एक अपलोड डाउनलोड प्रोजेक्ट पैक। तो ये ड्राइव में से अपलोड हो सकता है, उधर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल में हमें न्यू प्रोजेक्ट इधर से सिलेक्ट करना है, जो मोबाइल के लाइब्रेरी में मोबाइल की स्पेस में, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो आप इधर प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, आप वीडियो का रेशियो सिलेक्ट करो, लेयर। तो फिलहाल में मैं 16:9 सिलेक्ट कर लूंगा। लेयर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक इंटरफेंस ऐसा दिखेगा, तो आपको इधर से जो आपका लाइब्रेरी है, जो वीडियो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में मैं ये वीडियो सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट कर लिया मैं। अब सिलेक्ट कर, अब सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड लेयर, जैसे कि मैं म्यूजिक पे आ जाता हूँ, अब मेरे को इसका जो ऑडियो है वो ऑडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी बाय डिफॉल्ट ऑडियो। मैंने ये ऑडियो सिलेक्ट कर लिया, आपको दिखाने के लिए मैंने ऑडियो सिलेक्ट कर लिया। अब जैसा कि ऑडियो सिलेक्ट हो गया, अब मेरे को अब इसके ऊपर मैं इसको इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास एक ऐसा इंटरफेंस हो रहा है, ये जो हमारा लेयर है वो ऑडियो के लिए, ये वीडियो के लिए। अब जैसा कि ये जो हमारा वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इधर मेरे को पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो हमें इधर इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब मैं अगर वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा तो वॉल्यूम कम ज्यादा जितना चाहिए मैं वो कर सकता हूँ। और फिल्टर, अब फिल्टर की बात करें तो इसका मेरे को जो कलर है फिल्टर वो कैसे रखना है। जैसे कि मैं अगर आर्टिस्टिक पे क्लिक कर लूंगा, इधर बहुत सारे मैं इस पर क्लिक कर लूंगा और मैं इधर से एडजस्ट कर लूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहा है। तो ये था फिल्टर। अब एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस इसका मेरे को कितना रखने का मैं रख सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट कितना रखने का रख सकता हूँ, सैचुरेशन, टेम्परेचर, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्पीड की। स्पीड तो आपको पता ही होगा आपको स्पीड कितना रखना है। जैसे कि मैं स्पीड एकदम ज़्यादा कर लिया, एकदम कम, ये स्पीड की बात हो गई। इफेक्ट, तो इफेक्ट के बारे में बात करिए गाइस, हर वीडियो में हर जो वीडियो एडिट करते हैं उधर मेन इफेक्ट रहता है। जैसे कि मैं इधर सिलेक्ट कर लूँगा तो ये जो ब्लैक है कम है, जो इसका इफेक्ट रहता है वो चेंज होते जाएगा, आप देख सकते हैं इफेक्ट हो गया। अब बात करेंगे हम स्किन स्मूथर, जो इसका स्किन है, हमें स्क्रीन का ब्राइटनेस कितना चाहिए इधर हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं, नई चीज रिमूव भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। और बात करो तो काइन मास्टर से ज़्यादा हमें इसमें टूल्स मिल जाते हैं एडिट करने के लिए वीडियो तो, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ काइन मास्टर एकदम सिंपल। अब बात करेंगे हम पैन जूम के। अब अगर कोई वीडियो हमें चाहिए तो इसको मैं कोई वीडियो चाहिए तो हम इसे जूम कर लेते हैं। लोड हो रहा है, तो जैसा कि मैं इधर जूम कर लिया, स्टार्ट पोजीशन ऐसा और एंड पोजीशन मेरा एकदम ऐसा रहना चाहिए। ये जूम का आप और सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको और चाहिए, कैंसिल कर देता हूँ मैं क्रॉप। अब जैसा कि कोई वीडियो मेरे को क्रॉप करना है तो मैं आपको बता दूँ ये वीडियो है मेरे को क्रॉप करना है, तो मैं इसको रखूँगा और इधर से इसको डिलीट कर दूंगा। रुको, सॉरी गाइस, क्रॉप बता रहा था मैं, ये क्रॉप है, मैं इसको ऐसे ज़्यादा कम जितना चाहिए उतना रख सकता हूँ। ये हो गया, अब ये क्रॉप हो गया हमारा वीडियो, तो ये क्रॉप था। अब सेकंड, अब रोटेट के बारे में, रोटेट तो आपको पता ही होगा 360 350 और फ्लिप। डुप्लीकेट इसका, ये जो प्रोजेक्ट है इसका डुप्लीकेट आप करेंगे तो एक और लेयर आ जाता है, एक और लेयर आ जाएगा इसके बाद, तो ये डुप्लीकेट था। अब स्टेबलाइजर, मतलब ये जो 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 मैं इधर खा वो जो ये मेरा ब्लू कलर का है ये एरो, अगर उस पर मैं स्टेबलाइजर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा ये जो एट प्रेजेंट का जो पिक्चर रहेगा वीडियो, वो एक फोटो के टाइम पे लेयर पे आ जाएगा। रिवर्स तो आपको पता है, ये वीडियो को फुल रिवर्स कर देगा। और एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट का आइकन आपके सेटिंग के जस्ट ऊपर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेव टू गैलरी करना है, शेयर जो आपको करना है वो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टू सेबल है, तो आपको सेव गैलरी पे करके ये वीडियो सिलेक्ट कर लें। तो ये था सेकंड। अब बात करेंगे जैसा कि टॉप थ्री पे है फिल्मोरा गो, ये हार्ड, ये जो एप्लीकेशन है हार्ड पड़ता है एडिटिंग के लिए, इसके ज़्यादातर लोग काइन मास्टर
या पावर डायरेक्टर यूज करते तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। हर जो एप्लीकेशन मैंने इस वीडियो में बताया है कि उसको डीप में एडिटिंग कैसे करते हैं, सब आएगी। तो फिलहाल मैं इसे क्रिएट न्यू वीडियो पे क्लिक करके मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा वीडियो, अब वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इसको आप पे खाली क्लिक करना है, क्लिक करने पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक इंटरफेस सेव दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं अभी इधर जो थीम्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो लेयर है प्रेजेंटेशन के काम में आता है आपको कैसा रखना है, जैसा कि अभी मैं दिखा देता हूं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एक लेयर आ गया हमारे पास, अभी फिलहाल में मेरे को नहीं रखना इसलिए मैं नन पे क्लिक कर दूंगा। और म्यूजिक पे आपको जैसा कि पता है आपको जो म्यूजिक रखने का ऑडियो आप वो रख सकते हैं, फिलहाल में मैं मेरे पास जो मैं वो रख लेता हूँ। ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया म्यूजिक, ओके। अब ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, ये ट्रांजिशन कैसा है। तो मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे, कुछ फ्री के भी कुछ पैसे के भी है, वो आप देख लेना गाय, जो आपको अच्छा लगे आप वो देख लेना। फिलहाल में मैं ये जो है प्रीसेट ये यूज़ कर लूँगा, फिक्सर लेट। ये जो ट्रांजिशन है गाइस ये क्यों होता है मैं आपको बता दूँ, ये मतलब जो एक वीडियो ख़त्म हुआ, एक लेयर हमारा मीडिया ख़त्म हो दूसरा मीडिया स्टार्ट होने से पहले कौन सा ट्रांजिशन आप रखना चाहते हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन वीडियो बनाते तो उसमें भी काम आता है गाइस, मैं वो बाद में बताऊंगा हर वीडियो। अब रेशियो एंड क्रॉप, अब रेशियो के बारे में बात करेंगे। अब क्रॉप, ये जो क्रॉप है हमें क्रॉप कैसे करना चाहे, अब ये जो रखे हम जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ये हमारे ये हो गया, फिर क्लिक किया ये जो लेयर स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट करना है, कट टू साइड एड फ्रेम कट टू साइड, ये क्रॉप करने के हमें कैसा रखने के ब्लर, ये जो वीडियो ब्लर करना है ब्लैक करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एडिटिंग टूल्स, जैसे कि एडिटिंग टूल्स में बताया, अब इसमें आप ट्रिम पे बात करेंगे तो हमें कहाँ से ट्रिम करना है, कौन सा पार्ट ट्रिम करना है आपको तो पता है ट्रिम क्या होता है, तो ओके कर दिया मैं। अब क्रॉप के बारे में बात करते हैं, अब हमें जैसा रखने का वीडियो इतने में करना है इतने में करना है वो आपके ऊपर है, क्रॉप कैसे करने का आपको। सब टाइटल, अब वीडियो चालू होने से पहले कौन सा सब टाइटल आपको देने का, जैसे कि मैं इसे दे लेता हूँ कुछ भी ट्रायल, ओके कर दिया, ये सब टाइटल होगा आप देख सकते हैं। और ऐसे और भी आप सब टाइटल दे सकते हैं, फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। अब पाइप बोले तो एक के ऊपर एक लेयर, जैसा कि मैं मेरा लोगो सिलेक्ट कर लिया, लोगो सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जो मेरा लोगो है मैंने इसको इधर ऐड कर दिया, लोगो इधर ऐड हो गया, तो आप देख सकते हैं ये पाइप, ये मतलब लेयर, फोटो लेयर, वीडियो लेयर जो आपको पसंद आए, तो वॉइस ओवर। अब अगर आपने वीडियो प्लेन बना तो आप इस पर करके आप रिकॉर्ड करके अपना वीडियो ऐड कर सकते हैं इसमें। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर, ऑडियो मिक्सर आपके पास अगर कोई ऑडियो है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ अभी ये जो है ये रेड वाला, ये जो हमारी वीडियो के अंदर ऑडियो है वो है, और जो ब्लू वाला है वो हमने जो म्यूजिक ऐड किया वो, और ये वॉइस जो हम बोलेंगे वो वीडियो में। तो जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा था 50% इसको रख लूँगा, 50% इसको रख लूँगा, ओके। अब फिल्टर, जैसे कि हर उसमें मैंने फिल्टर आपको बता चुका है क्या होता है, जैसे कि गोल्डन पे क्लिक करूँगा तो इफेक्ट जो रहता है वो चेंज हो जाता है। ओवरले के बारे में बात करते गाइस, ओवरले जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ कोई भी हमारा पासवर्ड अगर हमें सेव करना है, वीडियो बना चुके उसमें दिख रहा है तो हमें उसे हाइड करना है, जैसे कि ये कर दिया है, अभी हम जो है हमारे पास सेव कर लेंगे खुले। इसका जो वॉइस है वो भी आप कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जैसे कि ले लो आप ये जिनका ये आप देख सकते हैं, तो और भी है आप मोर पे क्लिक करके ओवरले चेक कर सकते, कुछ फ्री में है कुछ की के, ये काइन जो फिल्मोरा गो का है वो मैंने मॉड का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रीसेट के बारे में बात करते हैं, अब एलिमेंट क्या है ये बता दो, जैसे कि हार्ट ने हमने चॉइस कर लिया तो ये हार्ट आपके सामने देखिए आ जाता है। और भी है आप जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइटल्स जैसे कि मैं ये सिलेक्ट न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यूयॉर्क सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो टाइटल आ गया, टैप टू ऐड टाइटल, आप देख सकते हैं इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ट्रायल जैसे कि देख सकते अभी ट्रायल लिख के आएगा जो मैंने लिखा था, ये
टाइटल होगा। अब स्पीड, स्पीड जैसे कि हर वीडियो में मैंने बता चुका है, जैसे आपको रखने के 4x फास्ट लर्न दिया, तो मैं जो आपको स्लोन ग्रेशन नॉर्मल को भी सिलेक्ट करने का ओके कर दिया। अब रोटेट, रोटेट तो आपको पता है आपको रोटेट कैसा करने का है। एडजस्ट, अब कलर का एडजस्ट आपको कैसे जो करना है आप कलर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका कलर एडजस्ट पे क्लिक करूँगा, इसको जैसा मेरे को रखना है वैसा मैं रख सकता हूँ। कलर एडजस्टमेंट होगा, डुप्लीकेट, ये जो वीडियो चल रहा है इसका डुप्लीकेट भी आप कर सकते हैं। और मैनेज पे आप देख सकते हैं आपको मतलब जो एलिमेंट है वो आपको हाइड करने का क्या क्या, जैसे कि मैंने डिलीट वाला हाइड कर दिया ओके, तो आप देख सकते हैं इधर मेरे को डिलीट वाला नहीं दिख रहा। अब इसको डन कर दिया, ये हमारे ये हो गया। अब आपको बात करें, हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जिट करने के बाद न्यू पे आ जाएगा, तो फिलहाल मैं कैंसिल करते। अब ये वीडियो को हमें एक्सपोर्ट करना है या हमें इसके ऊपर और एक लेयर देना है, तो ऐड पे क्लिक करूँगा मैं, तो कौन सा भी वीडियो सिलेक्ट, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसे मैं ऐड करके डन। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके ऊपर भी वीडियो मैं लास्ट में बनाऊंगा गाइस, हर एक जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके ऊपर आएगी डीप में। तो अब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल एडिटिंग था, डीप में एडिटिंग चाहिए तो कमेंट करना मेरे को। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप 4 में ये गोलगेट है, ये भी फिल्मोरा का ये एक एप्लीकेशन है। तो अब जो आप जिसे फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आप ईमेल, फेसबुक, ट्विटर से लॉगिन कर सकते हो या गूगल से। तो फिलहाल मैं एक्सप्लोर एज गेस्ट करके यस कर दूंगा। तो अब मेरे को तो सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, तो मैं फिल्म लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा और जो मेरे को सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। फिलहाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं ऐसा कर दूंगा डन। तो आप जब वीडियो को सिलेक्ट करोगे तो आपको एक ऐसा वो दिखने को मिलेगा, तो लाल लाइन से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं नीचे से स्टार्ट करते फोटो से। आप टेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो ये वीडियो लिख के लेयर के ऊपर टेक्स्ट आप कौन सा ऐड कर सकते हो वो है, और इधर बहुत सारे वो भी दिए, अभी कलर इधर चॉइस कर सकते हो, इधर फॉन्ट, इधर उसके एनिमेशन कैसा रखने का, अब इधर आप जो टाइप करेंगे टेक्स्ट वो। तो जैसा कि आप ये टेक्स्ट का पार्ट कंप्लीट। अब बात करेंगे स्टिकर, अब स्टिकर आपको जो ऐड करना है आप देख सकते हैं, व्लॉगर, व्लॉगर, ये जो बिगेनर से ये उनके लिए एप्लीकेशन सही है या जो व्लॉग बनाते हैं उनके लिए। अब पाइप की बात करेंगे तो एक वीडियो लेयर, वीडियो के ऊपर कौन सा लेयर आपको ऐड करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं इसको ऐड कर लूंगा, ये वीडियो लेयर मेरा ऐड होगा। क्लिक करने पर दोनों आप देख सकते हैं जैसे साथ साथ चल रहा है ये वीडियो। अगर ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो ट्रांजिशन के बारे में दो क्लिप, तो मैं एक और क्लिप ऐड कर लूँ तो फिल्म लाइब्रेरी से, तो मैंने ये क्लिप ऐड कर लिया। अब देख सकते ये क्लिप होगा ऐड होगा। इसमें एक चीज़ अच्छा, अगर आपका जो 19:16 का रेशियो रहेगा मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में अगल बगल के जो पार्ट्स रहते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा, तो ट्रांजिशन पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने क्लिक किया तो मेरे को जो ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, ये रखता हूँ मैं। तो ये ट्रांजिशन जैसे आपको जो रखने का वो रख सकते हैं। रिवर्स तो आपको पता ही है, हर वीडियो को रिवर्स कर देगा उल्टा। स्पीड की बात करें तो आपको कितना ये वीडियो का स्पीड रखा है मैं बोलूंगा, बाय डिफॉल्ट जो रहे वो रखने का। अब बात करिए फिल्टर, फिल्टर के बारे में बात करें, F1 जैसे मैंने सेव कर, आप देख सकते हैं कलर का चेंज, F9 कर लिया, और मैं इधर से इसको मैनेज कर सकता हूँ मेरे को कितना रखने का है। अब ये होगा। अब एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करना है, कि जो चीज एडजस्टमेंट करना है किधर से कर सकते हैं। अब तो ये होगा फुटर के, अब हम इसकी बात करेंगे। ये जो वीडियो सिलेक्ट है इसके ऊपर जैसे कि मैंने क्लिक करके एक पेंसिल का आइकॉन आता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर ट्रिम का ऑप्शन दिख जाता है, आपको कितना पार्ट स्ट्रीम करना है, कितना पार्ट रखने का। जैसे कि मैंने जो रेड के अंदर आपको दिख रहा है, रेड के अगल बगल व्हाइट, तो व्हाइट पार्ट जो है वो हमारा ट्रिम हो गया है, और जो रेड के अंदर है वो सेफ है। तो जैसा आपको रखना है आप वैसा रख सकते हैं। ट्रिम स्प्लिट, अब मिडिल में से अगर आपको जो पार्ट स्प्लिट करना है आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्नैपशॉट, ये मतलब ये जो लेयर का, ये जो आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा लाइव, वो उसका आपका स्क्रीनशॉट लेके वो लेयर के मीडिया के जगह ऐड कर देगा। ये हमारा हो गया
स्टाइल क्रॉप का तो आपको पता है वीडियो को क्रॉप करना है कैसे, आपको रखने का साइज, जैसा कि मैं आपको इधर से आपको दिखा दिया। फिर रोटेट, रोटेट भी आपको पता है कौन से टाइप का आपको रोटेट करना है, डुप्लीकेट पता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको जैसे मैनेज करना आप कर सकते हो। डिलीट का तो ये लेयर डिलीट होगा सिंपल। अब ये हमारी ये वो सिंपल होगा। अब ये हमें वीडियो एक्सपोर्ट करना, मैं इस पर क्लिक करूंगा वीडियो एक्सपोर्ट होने लगा। तो अब बढ़ते टॉप 5 एप्लीकेशन के बाद जो लास्ट है, तो गाइस लास्ट और फिफ्थ एप्लीकेशन का नाम है वाइवा वीडियो एडिटर प्रो। ये मॉब ऐप है, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपको एक 6 लोगो दिखेंगे, आइकॉन्स दिखेंगे, और एक आप जैसे इसको स्लाइड करेंगे एक और दिखेगा। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप कैप्चर पर क्लिक करोगे तो आपको लाइव देखने को मिलेगा, जो आपका कैमरा लाइव रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अलाउ करके। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी दिखा दिया, मैंने ब्लैक रखा है। और स्लाइड शो की बात करें तो फोटो सिलेक्ट करके आप उसका भी स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। एडिट वीडियो, तो एडिट वीडियो पर आप वीडियो एडिट कर सकते हो। सेल्फी हो गया, माई ड्राफ्ट इफेक्ट, और इफेक्ट की बात करें तो अगर आपको कोई भी वीडियो में इफेक्ट देना वो भी दे सकते हो। और कॉलेज में अगर फोटो है आपके बहुत सारे, उसे आप एक फ्रेम में कर सकते हो। हम सबसे पहले एडिट वीडियो पर क्लिक करेंगे और वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे को ये वीडियो चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐड, और एक और ये वीडियो चाहिए। एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप एक वीडियो भी कर सकते हो। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इधर मेरी दोनों क्लिप ऐड हो चुके हैं, और आपको एक ऐसा इंटरफ्रेंस दिखेगा ऐड करने का। तो नंबर वाइज से चलते, सबसे पहले बात करेंगे हम थीम की। तो अगर आप थीम के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो जो है वो किस टाइप में ओपन होगी या कोई इफेक्ट इसमें आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसे चॉइस किया तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि थीम पे क्लिक किया तो ये कैसा आ गया। साउंड भी इसका चेंज हो गया। यही फर्क रहता है इसका थीम का। आप और भी है, आप ट्राई कर सकते हो। म्यूजिक की बात करें तो आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो इसमें, जो ऑलरेडी म्यूजिक रहेंगे ऑनलाइन वो भी देख सकते हो। डाउनलोड जो किए रहोगे आप वो भी देख सकते हो, मतलब ऑनलाइन में से अगर कोई म्यूजिक, जैसे कि मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ ये म्यूजिक। फिर डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं डाउनलोड में मेरी ये म्यूजिक आ गई। तो ये है, और योर म्यूजिक में से तो आपके डिवाइस में जो म्यूजिक रहेगा वो आएगा। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर से मैनेज करूँगा जो सेकंड है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो साउंड जो है वो 80% रहे और जो म्यूजिक ऐड किया है वो 20%। ये हो गया। फिर मैं इसको ऐसे रख के एडिट, क्लिप एडिट पर आ जाऊँगा। क्लिप एडिट पर बात करूँ तो फिल्टर की, आप ये वीडियो है जो उसका फिल्टर भी देख सकते हो। आप बहुत सारे इधर आप फिल्टर मिल जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हो। मैं ये ट्राई करके इसमें से ये ऑनटम ले लेता हूँ। मैं इधर से फिल्टर लेवल सिलेक्ट करूँगा कितना चाहिए, तो मैं 50% सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, अब डन कर दिया मैंने। तो ये था फिल्टर। अब बात करेंगे ट्रिम की। अगर वीडियो को आप ट्रिम करना चाहते हो तो आप ट्रिम कर सकते हो, या कट आउट, इतना पार्ट आपको उड़ाना तो आप इतना पार्ट रिमूव भी कर सकते हो, ट्रिम होगा। स्प्लिट की बात करते हो, अगर आपको कोई भी क्लिप या वीडियो को बीच में से कट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट्स में। तो जैसे कि मेरे को इधर से किया मैंने स्प्लिट, तो ये हो गया दो पार्ट में स्प्लिट। आप देख सकते हो 3 क्लिप्स आ चुके हैं। फिलहाल मैं इसे अंडू कर दूंगा, तो ये हो गया। आप डुप्लीकेट की बात करें तो इसका डुप्लीकेट जो रहेगा ये क्लिप का, वो डुप्लीकेट आ जाएगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये डुप्लीकेट होगा। स्पीड की तो आपको पता है, आप स्पीड बढ़ा कम जो आपको रखना है आप वो रख सकते हो। फिलहाल मैं ZenX रखूँगा। और रिवर्स का मतलब होता है पूरा वीडियो जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इंटरफ्रेंस आप देख सकते हैं रिवर्स हो जाएगा, और जो वीडियो रहेगा वो म्यूट हो जाएगा। उसका साउंड म्यूट की बात करें, अभी साउंड जो वीडियो के अंदर रहेगा वो साउंड म्यूट कर देगा। रोटेट तो आपको पता है, आप पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा आपका वीडियो। ट्रांजिशन के बारे में बात करते, ट्रांजिशन जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये ग्लिच वाले ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो चाहिए आप अपना अलग से ट्रांजिशन चॉइस कर सकते हो। इधर बहुत सारे ट्रांजिशन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ग्लिच सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे डन कर दिया, अब इसे ऊपर कर दिया। डन करने के बाद आप देख सकते हैं इधर ट्रांजिशन ऐड हो गया। तो अप्लाई टू ऑल क्लिप्स और डन। अब इसे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं अभी हो नहीं रहा, नहीं तो दिखा देता, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ट्रांजिशन होने के बाद अब मैं बात करूंगा इफेक्ट की। इफेक्ट पे आप मल्टी म्यूजिक, मतलब आप दो तीन म्यूजिक एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये 20% मैंने ये साउंड लिया, 20% मेरे को और कुछ चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे को इधर से इधर चाहिए, इधर से इधर। ये आप बाकी जो डीप में आएगा इसका वीडियो एडिटिंग में आप, उसमें आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो ये जो वीडियो है इसके ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो। मैं ऐड अभी नहीं करूँगा। फिर स्टिकर की बात करें तो आप बहुत सारे स्टिकर आपको मिल जाएंगे इधर, जैसे कि ये स्टिकर है, ये आपको ऐड करना करो, जो आप करना वो करो। तो फिलहाल मैं स्टिकर ऐड नहीं करूँगा। इफेक्ट्स की बात करें तो अभी इफेक्ट आता है आपके वीडियो को कौन सा कैसा इफेक्ट चाहिए, तो मैं कोई भी इफेक्ट चॉइस करूँगा, नॉर्मल ये वाला चॉइस कर लेता हूँ। मैं जो भी आपको जिसमें बताने वाले ट्रायल पर्पज़ बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आएगा सब, जितना भी मैंने ये वीडियो में आपको बताया टॉप 5 वीडियो एडिटिंग, सबके ऊपर नंबर वाइज आएगा डीप वीडियो एडिटिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देखने के। जैसे कि मैंने इफेक्ट चॉइस कर लिया तो आप देख सकते हैं किस टाइप का इंटरफ्रेंस होगा। मैं इसे डन कर दूंगा। डन करने के बाद आप देख सकते हो दो जगह ये जो इंटरफ्रेंस ऐसा होगा, फिर बाकी जगह नॉर्मल हो जाएगा। वो इफेक्ट आपको जो इफेक्ट आपने चॉइस करेगा उसके हिसाब से काम करेगा। मैं ये जो है इसे डिलीट कर दूंगा। इफेक्ट आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं आपको कैसा रखना है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था तो अभी फिलहाल मैं इसे राइट कर दूंगा। साउंड की बात करते हैं, जैसा कि अभी मैं साउंड इफेक्ट जो है मैं इसमें ऑनलाइन जो मिलेगा वो मैं ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, डाउनलोड किया ये साउंड। तो डाउनलोड करने के बाद इधर आपको दिखने को, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्लॉक का है, क्लॉक घड़ी चलती है, उसका साउंड ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये साउंड इधर इतना देर ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं डन कर दूंगा तो फिर से साउंड पे आ जाता हूँ। साउंड पैन और डिलीट कर देता हूँ ये साउंड। अब रिकॉर्ड की बात करें, अगर मैं ये ऑरेंज वाले पे क्लिक करूँगा और जो मैं लाइव बोलूँगा बात वो इसमें रिकॉर्ड होते जाएगा। तो कैसे है आप ये वो जो आपको बोलना आप वो बोल सकते। फिलहाल मैं इतना करके इसे राइट कर दूँगा। अब बात करते ये वीडियो एडिटिंग की थी, अब ऊपर की बात करते। अब इधर आपको अगर ये आइकॉन कट के बगल में आप ये इंटरफ्रेंस जो पूरा कट हो जाएगा, उसके बगल में आपको अंडू का आइकॉन दिख रहा है, फिर उसके बगल में रेडियो का आइकॉन दिख रहा है, वो आपको देखना है कैसा वो करने का। आपका अगर कोई मिस्टेक हुआ, एक पार्ट पीछे जाना एक पार्ट आगे जाना, तो आप अंडू रेडियो चूज कर सकते हो। अब ये जो है हेल्प का आइकॉन क्वेश्चन मार्क का, इधर आपको ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा इसका, कैसा वीडियो एडिट कर से कैसा वो आप वो देख सकते हैं। इधर ड्राफ्ट में बात करेंगे तो ये वीडियो ड्राफ्ट में चली जाएगा। जैसा कि ड्राफ्ट में चली गई मैं बैक आ जाता हूँ, और ड्राफ्ट में आने के बाद देख सकते हैं माय ड्राफ्ट करके आइकॉन, उधर मैं क्लिक करूंगा तो मिल जाएगा मेरा ड्राफ्ट। फिर मैं बात इस पर क्लिक करूंगा तो फिर से मैं अपने उस पर आ जाऊंगा। आने के बाद अगर मेरे को ये सेव करना है तो मैं सेव करके अपलोड पर क्लिक करता हूँ। सेव कर लिया, अब इस ऑप्शन आपको बहुत सारे इधर मिल जाते हैं। एक ड्राफ्ट का मिल जाता है, एक सेव टू गैलरी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिधर चाहिए उधर शेयर कर सकते। मैं सेव टू गैलरी पे क्लिक करके शेयर कर लूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो मैं जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।